खबर शामिल करते हैं हाफिज़ आबाद से, जहां मैडम नूरी सबा ने अवर सीज अब्दुल सलाम की दरख्वास्त पर एक्शन लेते हुए चौधरी खुदायार में कार्रवाई करते हुए कब्जा माफिया वगैरह से पेंसिल किनार जरिए राजी वागुजार कराई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मैडम नूरी सबा के मुताबिक कब्जा माफिया ने कब्जा किया, जिसको वागुजार कराकर असली मालकान अवर सीज अब्दुल सलाम के हवाले कर दिया गया। एडिशनल 2013 डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मैडम नूरी सबा के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं जद्दा से, जहां जद्दा की मरूफ सियासी और समाजी शख्सियात चौधरी हुसनैन गोंदल की जानिब से नौमंतखब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सदर यूथ में सऊदी अरब चौधरी इरफान गोंदल के एजाज में शानदार इशाइये का अहतमाम किया गया। इशाइये के मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सऊदी अरब के चेयरमैन चौधरी अजहर बड़ाइच कम्यूनिटी के मरूफ शख्सियात ने शिरकत की। इशाइये में शिरकत करने वालों में सऊदी अरब के मरूफ बिजनेस मैन चौधरी बिल्लू शेर बड़ाइच चौधरी, ताई फारूक बड़ाइच मुस्लिम लीग का सदर जद्दा बाडी अब्दुल शकूर चौधरी, अमजदा रानी सईद अजमल शाह सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग का सऊदी अरब, आसिम रफीक जड़ सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग सदर जद्दा मुस्लिम लीग का बिशारत अली जमशेद जिमी, जैद बिन सरवर एडवोकेट चौधरी, फैसल महमूद बड़ाई चौधरी, शुएब बोसाल और आतिफ अली वटू दीगर ने शिरकत की। इशाइये के आखिर में चौधरी हसनैन गोंदल ने तमाम मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सरजमीन हजाज में मुकीम तमाम पाकिस्तानी अपने प्यारे वतन के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे। दुनिया भर की तरह स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी मजलिस एजाब सिलसिला बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह मामे बारगा फातिमा फाउंडेशन बार्सिलोना स्पेन में मुनक्कद की गई। मजलिस एजाब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान मजीद से किया गया। निकाहत के फराइज आमिर रियाज ने अदा किए, जबकि खतीब अहले मौलाना सईद जैगम अब्बास नकवी ने फलसफा शहादत पढ़कर सुनाया, जिसको सुनकर हैरान कशकबार थी। मजलिस एजाब में बार्सिलोना समेत दीदगर से भी मोमिनी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजलिस के इख्तिताम पर पुरसा भी पेश किया, लंगर हुसैनी भी तकसीम किया गया। खबर शामिल करेंगे नौकोट से, जहां जायरीन से भरमनी सुजुकी नौकोट के करीब दरगाह राज शाह के मजार की जियारत के बाद अपने इलाके चंबर जा रहे थे कि टंडो जान मोहम्मद कार्ट फैक्ट्री के करीब तेज रफ्तारी में टायर फटने से बेकाबू होकर उलट गया, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 35 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर टंडो जान मोहम्मद अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी जायरीन में 4 मर्द 4 खवातीन की हालत नाजुक होने पर हैदराबाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा टायर फटने से पेश आया। खबर शामिल करते हैं सीता रोड से, जहां सीता रोड में 20 घंटों से जारी लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए नौजवान इतिहाद के रहनुमा गुलाम मुर्तजा मेमन, जीएम पावर आमिर राई, फार पठान, सलीम मेराई, सुल्तान श्याम सन्नब गोरड़ की सरबराही में शहरियों ने सेफको के खिलाफ शटर बंद हड़ताल के बाद सख्त एहतजाज किया। नेशनल प्रेस क्लब के सामने धरना भी दिया गया। मजाहिर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोड शेडिंग की वजह से कारोबार को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पीने के पानी के लिए परेशानी है, बच्चे स्कूलों में बिजली की वजह से सख्त परेशान है। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोड शेडिंग की वजह से कारोबार को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पीने के पानी के लिए सख्त परेशानी है, बच्चे स्कूलों में बिजली की वजह से सख्त परेशान है। सेफको वालों को इस बात की कोई परेशानी नहीं, हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि सेफको के खिलाफ नोटिस लें, दूसरी सूरत में एहतजाज का जायरा मजीद बढ़ा दिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे ठरी मीरवा से, जहां अकरी के करीब मेहरान कॉटन फैक्ट्री में आतिशद की वजह से लाखों मन के पास राख का ढेर बन गई। फायर ब्रिगेड अमला इतला के बावजूद ताहाल ना पहुंच सका, देखते देखते आग ने पूरे एरिया को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि आग फैक्ट्री में दाखिल होगी। इस मौके पर फैक्ट्री इंतजामिया ने बताया है की फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इतला दी गई, लेकिन वो ना पहुँच सके, हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद के इलाके अलीपुर चिट्ठा में डकैती की वारदात, 4 डाकू ने देखते ही देखते गन प्वाइंट पर दुकानदारों को लाखों रुपए से महरूम कर दिया। वारदात की फुटेज एजेंट न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में 4 डाकुओं को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। खबर शामिल करेंगे चकवाल से, जहां चक्री के करीब लावार थैले से 11 किलोग्राम हेरोइन बरामद। मोटरवे पुलिस चक्री के करीब दुराने पेट्रोलिंग मोटरवे पुलिस को सड़क किनारे में एक बोरी लावार हालत में मिली। इसकी शक की बुनियाद पर बोरी की तलाशी लेने पर 11 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। नामालूम मुल्जमान की तलाश जारी। आलमी मार्केट में हेरोइन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जाती है। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद हेरोइन एंटी नार्कोटैक्स फोर्स के हवाले कर दी गई।